भारत और पाकिस्तान आज युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। दोनों देशों की सेना हाई अलर्ट पर है। पाकिस्तान की हालत तो यह है कि कराची के मालेर कांत में ब्लैकआउट तक घोषित कर दिया गया है। पाकिस्तान में इमरजेंसी जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। वहीं भारत में भी लगातार सरकारी बैठकों का दौर जारी है। ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की तरफ से सभी बड़े देशों को अपनी तरफ से उठाए जा रहे सभी कदमों की जानकारी दी जा रही है। सभी देशों को बताया जा रहा है कि भारत किस तरह की कार्रवाई करेगा। बात अगर दुनिया के दूसरे देशों के समर्थन की करें तो पाकिस्तान इस वक्त अकेला पड़ता दिखाई दे रहा है। भारत के दोस्त देश तो भारत का समर्थन कर रहे हैं, वहीं हमेशा पाकिस्तान का साथ देने वाला चीन भी इस बार पाकिस्तान को अकेला छोड़ता नजर आ रहा है। चीन ने पाकिस्तान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसने साफ साफ कह दिया है कि आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। चीन को भी आखिरकार आतंकियों के खिलाफ बोलना ही पड़ा, आतंकवाद के गढ़ और अपने दोस्त पाकिस्तान का विरोध करना ही पड़ा। वजह क्या है नहीं पता, लेकिन विरोध तो विरोध ही है। यह भारत की कूटनीति की परीक्षा है और सभी देशों से भारत को मिल रहे समर्थन को देश की कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है। भारत के समर्थन में विश्व के कई बड़े देश खड़े हो गए हैं। इन देशों में इजराइल, फ्रांस, जापान और रूस जैसे देश शामिल हैं। एक तरफ इन सभी देशों का भारत के साथ हो जाना पाकिस्तान को किसी गहरे घाव से कम नहीं महसूस हो रहा होगा, और दूसरी तरफ अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो का बयान पाकिस्तान के इस घाव पर मिर्च रगड़ता नजर आ रहा है। उन्होंने बुधवार रात को भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से फोन पर बातचीत की। उन्होंने भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई पर भारत का समर्थन किया है। पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के चीफ आतंकी मौलाना मसूद अजहर को बैन करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भी प्रस्ताव लाया गया है। समाचार एजेंसी राइटर्स के मुताबिक बुधवार को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने और उसे ब्लैकलिस्ट करने की मांग की है। सभी देशों ने अपनी इन मांगों को लेकर यूएन सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव दिया। अब देखने वाली बात यह होगी कि चीन इस प्रस्ताव पर अपना समर्थन देता है या नहीं। अगर यूएन सुरक्षा परिषद ने इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर लगा दी तो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और उस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। अगर ऐसा हो जाता है तो पाकिस्तान भी मसूद अजहर को ज्यादा दिनों तक पाल नहीं पाएगा और ना ही बचा पाएगा। इसे भारत की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी माना जाएगा। वैसे इन सभी देशों से मिल रहा यह तगड़ा समर्थन भी भारत की जीत ही है, और इतने देशों का इस तरह भारत के साथ आना विश्व में बढ़ते भारत के कद को दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि भारत एक ताकतवर देश बनने की राह पर है। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सी फर्स्ट करें, और अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें।